नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं एनजीटी न्यूज चैनल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा मुद्दा है, वह है पे कमीशन, वेतन आयोग, जिसे हिंदी में बोलते हैं वेतन आयोग। दोस्तों, हम इस पे बात करेंगे, इसके पूरी विश्लेषण करेंगे कि सबसे पहला पे कमीशन कब लागू हुआ था और अभी तक कितने पे कमीशन लागू हो चुके हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे एनजीटी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके पूरी जानकारी लेते रहिएगा और आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। दोस्तों, तो दोस्तों आज हम शुरू करते हैं पे कमीशन, वेतन आयोग। दोस्तों, सबसे पहला पे कमीशन के बारे में हम बात करेंगे आज, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, पे कमीशन को हिंदी में बोलते हैं वेतन आयोग। समय समय पर भारत सरकार द्वारा दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन भत्तों व पेंशन में बदलाव के लिए गठित किया जाता है। भारत की आजादी के बाद से अब तक 7 वेतन आयोग गठित किए जा चुके हैं। आयोग का जो हेड ऑफिस है दोस्तों, वो दिल्ली में है। वेतन आयोग को इसके गठन के लिए 18 महीने के भीतर सिफारिशें देनी होती है। आइए आपको बताते हैं कैसे गठित होता है वेतन आयोग, ठीक है, क्या कर रही है अब तक की अहम सिफारिशें। दोस्तों, सबसे पहला पे कमीशन जो लागू हुआ था दोस्तों, 1946 में गठित हुआ पहला पे कमीशन। पहले वेतन आयोग का गठन जनवरी 1946 को किया गया था, जिसने मई 1947 में भारत की अंतरिम सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस आयोग के अध्यक्ष श्रीनिवास वरदाचार्यार जी थे। पहले वेतन आयोग में 9 सदस्य थे, जिनमें सैन्य सेवाओं के सदस्य भी शामिल थे। दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट पे कमीशन है, यानी पहला वेतन आयोग। दूसरा वेतन आयोग है दोस्तों, जो 1957 में दूसरे वेतन आयोग के रूप में गठित हुआ। आजादी के 10 साल बाद दूसरा वेतन आयोग अगस्त 1957 में गठित किया गया। आयोग ने 2 साल बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस वेतन आयोग की रिपोर्ट से सरकारी खजाने पर 396 मिलियन रुपयों का भार पड़ा था। इस वेतन आयोग के अध्यक्ष जगन्नाथ दास जी थे। दूसरे पे कमीशन में एक मिलिट्री सदस्य समेत कुल 6 सदस्य थे। दोस्तों, यह है हमारा दूसरा पे कमीशन, यानी दूसरा वेतन आयोग। दोस्तों, अब हम बात करेंगे तीसरे वेतन आयोग को। तीसरे वेतन आयोग में दिए अहम सिद्धांत कुछ दोस्तों। तीसरा वेतन आयोग अप्रैल 1970 में गठित किया गया। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट देने में 3 साल लगा दिए। दोस्तों, 3 साल लगाए हैं। रघुवीर दयाल की अध्यक्षता वाले आयोग की सिफारिशों को लागू करने से सरकार की 1.44 बिलियन रुपयों का बोझ सहना पड़ा था। दोस्तों, इस पे कमीशन में वेतन ढांचे को समग्र बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए। तीसरे वेतन आयोग में बिना किसी सैन्य सदस्य के कुल 5 सदस्य थे। दोस्तों, इसमें जो है किसी भी आर्मी के सदस्य को नहीं लिया गया था। दोस्तों, अब हम बात करेंगे चौथे पे कमीशन का, फोर्थ पे कमीशन। चौथे आयोग ने 3 चरणों में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। जून 1983 को गठित चौथे वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट 4 सालों में 3 चरणों में दी। इस आयोग की सिफारिशें लागू करने से सरकारी खजाने पर 12.82 बिलियन रुपयों का बोझ पड़ा। इस कमीशन के चेयरमैन पीएन सिंगल थे। चौथे वेतन आयोग में बिना किसी सैन्य सदस्य के कुल 5 सदस्य थे, इसमें भी कोई सैन्य अधिकारी नहीं थे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे पांचवा वेतन आयोग। पांचवा वेतन आयोग के बारे में, पांचवे वेतन आयोग के गठन की अधिसूचना 9 अप्रैल 1984 को जारी की गई थी, लेकिन आयोग ने 2 मई 1994 से काम करना शुरू किया। पांचवे वेतन आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एस रत्नेबल पांडियन थे। पांचवे वेतन आयोग में 3 सदस्य थे, जिनमें सेना कोई प्रतिनिधि नहीं था, जिनमें सेना का कोई भी प्रतिनिधि नहीं कर रहा था। देखो दोस्तों, पांचवे वेतन आयोग में भी कोई सेना का कोई कमांडर, कोई भी व्यक्ति नहीं थे। छठे वेतन आयोग को हम बात करेंगे। छठे वेतन आयोग की ग्रुप की डी कैडर हटाने की सिफारिश की गई थी। दोस्तों, जुलाई 2006 में कैबिनेट ने छठे वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। जस्टिस बीएन श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में कमीशन को 18 महीनों का समय दिया गया। केंद्रीय कर्मचारियों ने अपना वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल की चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा कि अगर आप वेतन नहीं बढ़ाएंगे तो हम हड़ताल करेंगे और हड़ताल पर जाएंगे। इस आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद सभी केंद्रीय कर्मचारियों को 40% बकाए का भुगतान 2008 में किया गया। 2009 तक सभी कर्मचारियों को बकाया 60% का भुगतान भी कर दिया गया। छठे वेतन आयोग ने मुख्य पे स्केल की संख्या घटाने और पे बैंड के विचार को अपनाने पर ध्यान दिया। इस कमीशन ने ग्रुप डी कैडर को हटाने की सिफारिश की थी। दोस्तों, अभी तक
फर्स्ट से लेकर अभी तक हमने 6 कमीशन की बात कर चुके हैं। 6 कमीशन में जो केंद्रीय कर्मचारी थे उन्होंने गवर्नमेंट को चेतावनी दी थी कि अगर आप सैलरी नहीं बढ़ाते हैं, हमारे जो मतलब तनख्वाह है वो नहीं बढ़ाते हैं, तो हम हड़ताल पर जाएंगे। तो फिर सरकार को फैसला लेना पड़ा, कैबिनेट को फैसला लेना पड़ा, मुहर लगी और 6ठे पे कमीशन का गठन हुआ। दोस्तों अब हम बात करेंगे दोस्तों जो प्रेजेंट में पे कमीशन लागू हो चुका है और लागू है, 7वें वेतन आयोग, जिसमें सबसे कम बढ़ोतरी हुई है। पहले जितनी बढ़ोतरी है उससे कम बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग में हुई है। दोस्तों 25 सितंबर 2013 को तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जी ने 7वें पे कमीशन के गठन की मंजूरी की घोषणा की। जस्टिस ए के माथुर की अध्यक्षता में बने कमीशन ने 19 नवंबर 2015 को अपनी सिफारिशों की रिपोर्ट सरकार को सौंपी। 29 जून को कैबिनेट ने आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। इस बार अब तक की सबसे कम बढ़ोतरी करीब 23.6% की सिफारिश लागू की गई। दोस्तों तो ये अभी तक के दोस्तों 7 कमीशन लागू हो चुके हैं। 7ों कमीशन का रिपोर्ट आपके सामने मैंने पेश किया है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। दोस्तों पे कमीशन के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी कि पे कमीशन क्या होता है, पे कमीशन क्या काम करती है, पहला पे कमीशन का कब गठन हुआ, ये पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। दोस्तों हर एक जानकारी आप समझ गए होंगे दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि आपको इस चैनल से आपको हर जानकारी हर टॉपिक वीक में मिलते रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग इस चैनल को NGT न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।